ओके, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 44 देखेंगे और बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमी पे या लोगों पे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के जो भी साइड इफ़ेक्ट इकोनॉमी और लोगों पे होते हैं या जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है उसको हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल में ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है ये इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ा दिया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर इन्फ्लेशन ऑप्टिमल लेवल पे हो तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा होता है, तो फिर इसके जो भी इम्पैक्ट होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और उनके जो भी कॉजेज होते हैं उनको हमने काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया था। तो इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के सारे एडवर्स इम्पैक्ट देखेंगे, पर उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन अगर ऑप्टिमल लेवल पे है तो अच्छा क्यों होता है। देखिए, अगर हम देखें तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से ये चाहती है कि इंडिया में इन्फ्लेशन 4% लेवल पे बना रहे। ठीक है, यानी कि आरबीआई खुद चाहती है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ये 4% पे बना रहे। ठीक है, सो इन्फ्लेशन शुड बी एट 4% विद प्लस माइनस 2% एज द टॉलरेंस लिमिट। यानी कि आरबीआई चाहती है कि इन्फ्लेशन इंडिया में 2% से 6% के बीच रहे। सवाल है कि फिर ये आइडियली 4% का इन्फ्लेशन या प्लस माइनस 2% जो उसमें टॉलरेंस लिमिट है, ये 2 to 6% का इन्फ्लेशन डिज़ायरेबल क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो उस इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल होता है यानी कि वो साल दर साल बढ़ रहा है। ठीक है, अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं इसका मतलब क्या है कि उस इकोनॉमी में डिमांड की कोई कमी नहीं है, यानी उस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और एग्रीगेट डिमांड रिफ्लेक्ट होता है लोगों के परचेजिंग पावर से। तो अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और लोगों की परचेजिंग पावर डिपेंड करती है मनी सप्लाई पे। यानी अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उससे टोटल डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो होता क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है फर्म्स के लिए, क्योंकि देखिए जब भी डिमांड बढ़ता है तो इस एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से जो प्राइस इन्फ्लेट हुआ है, जो बढ़ा है, वो बढ़ी हुई प्राइस प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही है, टैक्सेस भी वही हैं, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ी हैं तो इससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो जब भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या इनकम अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो फर्म्स ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी है, और अगर जीडीपी बढ़ रही तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। और देखिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ज़्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर किए जा रहे हैं, ज़्यादा फैक्टर इनकम क्रिएट हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ क्या बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दी जाएगी,
तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर इनकम है ये बढ़ेगा, ठीक है, यानी फैक्टर इनकम क्रिएट होगा, बढ़ेगा, तो सब मिला के इकॉनमी प्रॉस्पर करती है। लेकिन ये सारे फ़ायदे इन्फ्लेशन की वजह से, जो भी ये फ़ायदे मिल रहे हैं इकॉनमी को कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फैक्टर इनकम क्रिएट हो रहा है, और जब भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा फैक्टर इनकम क्रिएट होगा तो इससे क्या है, लोगों के परचेजिंग पावर और बढ़ेगी, यानी डिमांड और बढ़ेगा, फिर फर्दर ये प्राइसेस को बढ़ा देंगे। अगर डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर प्राइसेस क्या हैं, बढ़ेंगी, और फिर प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, तो इस तरह से इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, ठीक है। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी तक होते हैं जब तक ये इन्फ्लेशन एक ऑप्टिमल लेवल पे है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% या उससे ऊपर हो जाता है, तो फिर इसी इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे बहुत सारा साइड इफेक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट होता है, और इन्हीं सारे एडवर्स इम्पैक्ट को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हम इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहला अगर हम इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखें तो क्या होता है, लेट्स सी। सबसे पहला जो इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो ये होता है कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल इनकम ऑफ पीपल, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल रियल इनकम ऑफ पीपल विच रिड्यूसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है, जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की रियल इनकम कम होती है, जब भी लोगों की रियल इनकम कम होती है तो रियल इनकम गिरने से लोगों का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो गिरता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरने से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरती है, ठीक है। तो अगर हमें इस बात को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रियल इनकम होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, हम सब, या अगर मैं आप लोगों के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो जो भी आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, ठीक है, यानी कि इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन, यानी जो भी आप इनकम कर रहे हैं, अगर उससे इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी आपका प्रोविडेंट फंड है, ये सब कट गया है, उसके बाद आपने पर्सनल इनकम टैक्स भी दे दिया है, तो जो इनकम आपके पास बचता है अपने खर्चे के लिए और सेविंग के लिए, उसको हम बोलते हैं पर्सनल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। और ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, ये आपकी होती है इन हैंड इनकम या वेज या इन हैंड सैलरी, ठीक है। और दिस इज़ इनकम अवेलेबल फॉर जो भी आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं, और ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम नॉमिनल इनकम कहते हैं, नॉमिनल इनकम। और इस नॉमिनल इनकम से जब आप इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर देते हैं, अगर आप अपनी नॉमिनल इनकम या जो भी आपकी वेज है या इन हैंड सैलरी है, उससे जब आप इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है, तो आपका बनता है रियल इनकम, यानी आपकी नॉमिनल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम से जब भी हम इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करेंगे तो आपकी रियल इनकम बनेगी, और ये रियल इनकम वो पैसा है जिसके बराबर का गुड्स एंड सर्विसेज आप इकोनॉमी में परचेज कर सकते हैं। सो रियल इनकम इज दैट
मनी और इनकम विच कैन परचेज इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनमी। तो सवाल है कि रियल अगर आपको आपकी नॉमिनल इनकम क्या है, जो भी आपका डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, अगर आपको अपना नॉमिनल या इनहैंड सैलरी पता है तो रियल इनकम उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला से समझते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एनालिटिकल ढंग से भी समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखिए हम इसे फॉर्मूला से समझते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी रियल इनकम होता है, ठीक है, रियल इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस इन्फ्लेशन रेट, जिसको कि आप इन शॉर्ट IR कह सकते हैं, 1 माइनस इन्फ्लेशन रेट इनटू जो भी आपकी इनहैंड सैलरी या जो भी आपकी वेजेस हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी इनहैंड सैलरी या वेज है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते 1 माइनस इन्फ्लेशन रेट, तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल इनकम। तो जो आपकी इनहैंड सैलरी या वेज है, ये फिर क्या होगी, आपकी नॉमिनल इनकम। यानी आप अपने नॉमिनल इनकम को अगर 1 माइनस इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करें तो रियल इनकम मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज कि आपकी नॉमिनल इनकम कितनी है। मान लीजिए आपकी इनहैंड सैलरी या नॉमिनल इनकम जो है वो है 20,000 रुपये। तो अगर आपको इनहैंड सैलरी या नॉमिनल इनकम 20,000 रुपये मिलता है, तो इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करने के बाद आपकी रियल इनकम कितनी होगी। तो लेट सपोज कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं और हम ये लेते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक साल में जो कंज्यूमर CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, लेट सपोज वो इन्फ्लेशन है 6% का, ठीक है। तो फिर रियल इनकम क्या हो जाएगा, रियल इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस 6% इन्फ्लेशन है तो फ्रैक्शन मैंने 6/100, ठीक है, इनटू जो भी आपका नॉमिनल इनकम है, दैट इज 20,000। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 6, दैट इज 94/100 इनटू 20,000। ये वैल्यू कितना निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी 18,800 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी रियल इनकम। अब इसका मतलब समझिए कि मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, देखिए आपने अगर 20,000 रुपये कमाए, ठीक है, अब मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन 6%, मतलब जो भी प्राइस लेवल अगर वो 6% बढ़ गया है जनरल प्राइस लेवल, तो होगा क्या कि आपके पास, मतलब आप इस 20,000 रुपये से जब इस इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, यानी कि इस 20,000 से अगर आप ये 6% का इन्फ्लेशन हटाएंगे तो आप इकोनमी में जो एक्चुअल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे वो 18,800 का है। यानी आपका 20,000 रुपये, अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, इकोनॉमी में 6% का इन्फ्लेशन है, इसका मतलब है कि इस 20,000 रुपये को खर्च करके आप सिर्फ 18,800 के ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, ठीक है, ये इन्फ्लेशन का मतलब है। यानी सामान तो आप 18,800 का खरीद रहे हैं, पर आप पे 20,000 कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना 1200, ये आपने इन्फ्लेशन का पे किया है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि इसके एनालिसिस क्लियर हो जाएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और एक पर्सन ए है। ये पर्सन ए जो है, मान लीजिए कि ये एक बास्केट है, बास्केट ऑफ कमोडिटी, BOC का मतलब क्या हो गया, बास्केट ऑफ कमोडिटी। तो 2022 में जो पर्सन ए है
वो इस बास्केट को 100 रुपये में खरीद रहा था, ठीक है। यानी एक बास्केट है जिसमें कुछ कमोडिटीज़ हैं, उन कमोडिटीज़ यानी इस बास्केट ऑफ कमोडिटी को वो 100 रुपये में ख़रीद रहा था। अब हम 2022 से 2023 में आते हैं। 2023 में क्या होता है कि ये जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है, अब इसको खरीदने के लिए 106 रुपये पे करना पड़ रहा है। यानी कि देखिए, इस बास्केट में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो कमोडिटीज़ पहले थी आज भी वही हैं, क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ सेम है। सेम बास्केट एक साल पहले 100 रुपये में मिल रही थी, आज की डेट में 106 रुपये में मिल रहा है। तो सेम बास्केट पे ये जो एक्स्ट्रा 6 रुपये पड़ा ना, ये जो एक्स्ट्रा 6 रुपये पड़ा, ये पड़ा है इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि 6 रुपये बस प्राइसेस बढ़ गई डिमांड बढ़ने की वजह से, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ी तो 6 रुपये ये प्राइस बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 2022 से 23 का कंपैरिजन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे समझिए कि जब 2022 से 23 का कंपैरिजन करेंगे, तो मतलब ये आएगा कि जो पर्सन ए है वो 2023 में, पर्सन ए जो है ये व्यक्ति 2023 में 100 रुपये खर्च करके कितने रुपए का सामान खरीद पा रहा है, 94 रुपीज़ का सामान खरीद पा रहा है, ठीक है। यानी कि 2022 से 23 होने में ये जो 6% का इन्फ्लेशन, देखिए 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे थे, अगर 106 रुपये का हो गया तो चेंज इन प्राइस कितना है, 6 रुपये, बेस कितना है, 100, तो परसेंटेज यानी इन्फ्लेशन रेट कितना आएगा, 6%। तो 22 से 23 तक ये जो 6% का इन्फ्लेशन हुआ, इसका मतलब ये है कि 2023 में 100 रुपये से पर्सन ए जो है वो 94 रुपीज़ का सामान खरीद पा रहा है। तो फिर सवाल आता है कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 100 रुपये की कीमत 94 रुपीज़ के बराबर हो गई, तो 1 रुपये की कीमत कितनी हो जाएगी, 94/100। इसका मतलब क्या है कि 94 पैसे के बराबर हो गई पैसा। यानी 2023 में इस पर्सन ए के लिए 1 रुपये, 1 रुपये की जो वैल्यू है वो 94 पैसा के बराबर हो गई। तो सवाल है कि फिर 6 पैसे कहाँ गए, तो 6 पैसे को इन्फ्लेशन खा गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि अगर 2023 में 100 रुपये से आप 94 का सामान खरीद सकते हैं, तो 1 रुपये की वैल्यू 94 पैसा हो गई। तो अगर आज की डेट में आपकी इनकम 20,000 रुपये है, तो उसकी जो वैल्यू होगी कि वो कितने का सामान खरीद सकता है, तो अगर 1 रुपये 94 पैसे के बराबर है, तो 20,000 रुपये कितने के बराबर होगा, 20,000, 20,000 गुणे 94/100 या 94 पैसे, यही आएगा 18,800 रुपये। यही मैं आपको ऊपर भी फार्मूले से बताया था। तो जो मैंने आपको फार्मूले से ये पढ़ाया था ना, एक बार फिर से ऊपर जाते हैं। ओके, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि रियल इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस इन्फ्लेशन रेट इंटू नॉमिनल इनकम, तो फार्मूले से जो आपको 18,800 रुपये मिला था, सेम इस एनालिसिस से भी मिला कि अगर 2022 से 23 तक 6 रुपये का इन्फ्लेशन हुआ है, यानी 6% का इन्फ्लेशन है, यानी 2023 में जो पर्सन ए है 100 रुपये से 94 का सामान खरीद रहा है, तो अगर 100 रुपये की वैल्यू 94 के बराबर हो गई, तो 1 रुपये की वैल्यू इतने पैसे के बराबर, तो 20,000 रुपये की वैल्यू 18,800 के बराबर। यानी कि आज की डेट में 2023 में जब पर्सन ए 20,000 रुपये खर्च करेगा, तो वो 18,800 का सामान खरीद पाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, उसकी नॉमिनल इनकम तो ज़्यादा लग रही है, पर जो एक्चुअली वो कंजम्पशन कर सकता है, वो कंजम्पशन इतने का कर रहा है। सो दिस इज़ द रियल कंजम्पशन, ये उसका रियल कंजम्पशन होगा। और ये जो है, ये इनकम क्या है कि दिख तो रहा है कि अगर व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा है, तो 20,000 के गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कंजम्पशन एक्चुअली में सिर्फ 18,800 का कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये नॉमिनल इनकम है और ये रियल इनकम है। अब देखिए, इनकम को मैं कंजम्पशन से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, या मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकम से हम पूरा कंजम्पशन, देखिए जब भी आप इनकम करते हैं ना, तो उससे कंजम्पशन ही करते हैं। यानी कि मान लीजिए, जो भी आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, उससे आप करते क्या हैं कि पहले जो भी आपके बेसिक एक्सपेंडिचर हैं, सब कुछ खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप बैंक में डालते हैं, लेकिन जो आपकी सेविंग है वो भी तो कभी ना कभी आप खर्च ही करते हैं,
उससे फ्यूचर में जाके आप या तो कार खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या बच्चों की शादी करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर अगर आप उन बैंक डिपॉजिट्स को बच्चों को अपने देकर अगर आप गुजर जाते हैं इस दुनिया से, तो बच्चे उसको खर्च करते हैं। तो जो भी आप कमा रहे हैं वो होना खर्च ही है, ठीक है। तो आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो तो 20,000 का सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं 18,800 का। तो देखिए, अगर ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो जो आपकी रियल इनकम है वो और कम हो जाएगी, और आप सामान उतने का खरीद सकते हैं जो रियल इनकम है, ठीक है। यानी इस रियल इनकम के बराबर का ही आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंसान का रियल इनकम गिरता है। अगर रियल इनकम गिरता है तो उससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि व्यक्तिगत कंजम्पशन कम हो रहा है। अगर उसका रियल कंजम्पशन कम हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसका कंजम्पशन कम होते जाएगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स, कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अगर आपका रियल कंजम्पशन गिरते जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये गिरता चला जाएगा। यही तो मैंने बोला था कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंसान की रियल इनकम गिरती है। रियल इनकम गिरेगी यानी उसका रियल कंजम्पशन गिर रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा, या जो भी एक्सेस टू मटेरियल थिंग्स थी वो गिर जाएंगी। तो यही इन्फ्लेशन का पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। आई रिपीट, फिर से ऊपर आते हैं, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जब भी बढ़ता है तो लोगों के रियल इनकम को कम कर देता है। रियल इनकम कम होने से लोगों का कंजम्पशन कम होता है, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हमेशा, जितना परसेंट इन्फ्लेशन होगा उतना, मतलब अगर आप, मतलब जैसे मान लीजिए अगर यही इन्फ्लेशन 10 रुपये, अगर मान लीजिए यही इन्फ्लेशन 10% होता, यानी 2023 में 100 रुपये की वैल्यू 90 रुपये हो जाती, यानी 1 रुपये की कीमत 90 पैसा हो जाती, तो 10 पैसा इन्फ्लेशन खा जाता, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन पैसा खा जाएगा आपका, उतना जो रियल कंजम्पशन है गिर जाएगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगी, ठीक है। ये तो पहला इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं, दूसरा जो इसका इम्पैक्ट होता है वो होता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी और इकोनॉमी। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन इक्वालिटीज, ठीक है। इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन इक्वालिटी, इन्फ्लेशन जो है ये इन इक्वालिटी को बढ़ाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने का ही मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वही हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, नो डाउट, क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो घूम कर आएगा ही बाकी चीज़ों से भी। लेकिन लार्जली जब भी किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो इससे क्या है कि जो भी फॉर्म्स के ओनर हैं, फॉर्म्स के जो ओनर हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इनका इनकम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इस फैक्ट्री में, इस फॉर्म्स में जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, ये जो भी हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उस फॉर्म में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जो इनकम है, अगर इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उनका जो रियल इनकम है वो रिड्यूस हो रहा है। और अगर वर्कर्स का रियल इनकम रिड्यूस हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पे फर्क देखिए कि जो फॉर्म्स के ओनर हैं इनका तो इनकम बढ़ रहा है,
ठीक है, इनका इनकम बढ़ रहा है और उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का इनकम गिर रहा है, तो ये जो डिस्पैरिटी है ये क्या है? इनकम इनइक्वालिटी है। ये जो डिस्पैरिटी है ना, यही है इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, ये डिस्पैरिटी इनकम इक्वालिटी है। और अगर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो वर्कर्स हैं अगर उनका रियल इनकम गिर रहा है, ठीक है, तो जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसी को फुलफिल करने में इनका इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगा, पर इनकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी। और जो भी अमीर लोग, अगर इनकी सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर आगे चल के इकोनॉमी में जो भी लैंड है, हाउसेस हैं, जो भी रिसोर्सेस है, ये परचेस कर लेंगे। तो जब भी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ में भी इनइक्वालिटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेज वेन एवर इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेज, इट फर्दर इंक्रीजेज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इंक्रीजेज इनइक्वालिटी इन वेल्थ। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा कमाएगा वही ज़्यादा सेव करेगा, और जो सेव करेगा वही आगे चल के घर जमीन सब खरीद लेगा, यानी वही वेल्थ एक्वायर कर लेगा, यानी इकोनॉमी के रिसोर्सेस पे कब्जा कम लोग का हो जाता है, तो इनइक्वालिटी इन वेल्थ बढ़ता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बड़ा क्यों है? देखिए, मैं आपको डेटा देता हूँ। हमारे इंडिया में जो भी टोटल वर्क फोर्स का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है ना, अप्रॉक्सीमेटली 83% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, 83% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो अगर हमारे वर्क फोर्स का लगभग 82-83% एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि लो इनकम जॉब्स हैं, लो इनकम एम्प्लॉयमेंट है। तो ऑब्वियसली इनके ऊपर जो इन्फ्लेशन का हिट पड़ता है ना, वो बहुत सीवियर होता है, बिकॉज इनकी रियल इनकम इतनी गिर जाती है कि ये बेसिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीट करने में इनकी सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है, सेविंग बचता ही नहीं है। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत रफ्तार से बढ़ती है, और फिर वेल्थ में इनइक्वालिटी उसी रफ्तार से एग्रीवेट होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए, वेल्थ में इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी में क्या हुआ कि सेविंग्स बढ़ी, लेकिन इस वर्कर्स के पास तो सेविंग्स ही नहीं है, या सेविंग इतनी है कि इससे अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या बेटियों की शादी कर सकते हैं, या मेडिकल एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। इनके पास घर जमीन खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये सारा पैसा से ये वेल्थ खरीद लेंगे, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी से ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो बढ़ता है वो है वेल्थ में इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये था उसका दूसरा साइड इफेक्ट, कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी जिस रफ्तार से बढ़ेगी उससे भी तेज वेल्थ की इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तीसरा इम्पैक्ट देखते हैं। तीसरा जो साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि इन्फ्लेशन हैज रिग्रेसिव इम्पैक्ट, और इट कॉजेज रिग्रेसिव इम्पैक्ट। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन्फ्लेशन हैज रिग्रेसिव इम्पैक्ट। यानी रिग्रेसिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि जो प्योर पीपल हैं उनको ये ज़्यादा हिट करता है एज कम्पेयर टू रिच पीपल। ठीक है, अब उसका भी कारण है, वाई इन्फ्लेशन हैज रिग्रेसिव इम्पैक्ट। अगर सवाल ये है कि इन्फ्लेशन का रिग्रेसिव इम्पैक्ट होता क्यों है, तो उसका जवाब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरी हाई फॉर पुअर पीपल एज
कंपेयर टू रिच पीपल, रिच पीपल और हाई इनकम पीपल, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ वेरी हाई फॉर पुअर पीपल एज कंपेयर टू रिच पीपल। इसका मतलब समझिए, देखिए, हाँ देखिए, यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब आप समझिए कि दो व्यक्ति हैं, एक गरीब है एक अमीर है। गरीब जो है वो 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, अमीर जो है वो एक महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है। गरीब व्यक्ति के लिए वो 20,000 रुपए का एक एक यूनिट खर्च करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बहुत हाई होती है। बिकॉज देखिए, गरीब व्यक्ति की जो भी हाउस होल्ड जो नेसेसिटीज़ हैं, लाइक जो बच्चों का एजुकेशन एक्सपेंस है, फैमिली का जो मेडिकल एक्सपेंस है, हाउस का रेंट है, जो भी उनका हाउस होल्ड फूड कंजम्पशन है, नॉन फूड लाइक फुटवेयर क्लोथिंग, जो भी इसेंशियल एक्सपेंडिचर है ना बेसिक नीड्स के, ये फुलफिल करते करते मे बी कि उसका 20,000 एग्जॉस्ट हो जाए या उसका 18,000 एग्जॉस्ट हो जाए, पर अमीर इंसान के 1 लाख में से 40,000 रुपये ही खर्च होंगे। यानी कि आप ये समझिए कि जो एक गरीब इंसान को अपने इनकम का एक एक रुपए खर्च करके जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी मिलती है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। और दूसरी बात समझिए कि अगर गरीब व्यक्ति ने 18,000 रुपये खर्च कर दिया, उसके पास सिर्फ 2,000 रुपये बचा है, और अमीर व्यक्ति के सारे 40,000 खर्चे के बाद अगर 60,000 रुपये बचे हैं सेविंग के तौर पे, तो अब अगर इस गरीब व्यक्ति को उस बचे हुए 2,000 से अगर एक एक रुपए खर्च करना है ना, तो वो एक एक रुपए की वैल्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। पर अमीर आदमी के पास 60,000 रुपये, अगर उसमें से वो 10,000 और खर्च कर देगा तो भी 50,000 बचेंगे। यानी उसके लिए हर एडिशनल यूनिट ऑफ मनी की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी गरीब व्यक्ति के लिए है। और अगर गरीब व्यक्ति के पास सिर्फ 500 रुपये जो सेविंग बचा है, तो फिर हर एक रुपए की जो यूटिलिटी है, जो वैल्यू है, बहुत हाई होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रियल इनकम जो है वो गिर जाता है, और जो रियल इनकम है यही मतलब रियल इनकम के बराबर ही तो आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि रियल इनकम जो है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे क्या है कि रियल इनकम गिरेगा। सॉरी, मुझे लगता है मेरा दिमाग थक गया है, क्योंकि मेरा दिमाग थक जाता है तो काम नहीं करता है। ओके, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल इनकम गिरेगा। अगर रियल इनकम गिर जाएगा तो हालत ऐसी हो जाती है कि जो गरीब व्यक्ति है ना, जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब व्यक्ति या जो लो इनकम पीपल हैं, ये अपने बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को भी मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए व्यक्ति के घर का खर्चा, टोटल खर्चा चल रहा था 19,000 रुपये से, और महंगाई की वजह से जो उसका रियल इनकम है वो मान लीजिए 17,000 रुपये है, उसको 19,000 के बराबर का गुड्स एंड सर्विस खरीदना है, लेकिन उसके पास है ही 17,000, तो जाहिर सी बात है कि वो 2,000 की नेसेसिटीज पूरा नहीं कर सकता। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो पुअर पीपल होते हैं, इनकी लाइफ मुश्किल नहीं, मिजरेबल हो जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों पे इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत मतलब अच्छा शब्द है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, उनको अपनी ज़रूरतों में कमी नहीं लानी पड़ती, उनकी लाइफ ही मिजरेबल हो जाती है। ज़रूरतें तो छोड़िए, वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पूरा कर पाते हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं, घर में खाने के लिए ढंग से चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ ख़राब हो गया तो कभी बनवा नहीं सकते, मतलब उनके सपने अपने तो बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी जीना, डे टू डे लाइफ ही मुश्किल हो जाती है। और अमीरों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रियल इनकम थोड़ा कम हो गया, 60,000 सेव कर रहे थे तो 50,000 सेव करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल देयर इज अ सेविंग। तो इन्फ्लेशन का हार्डेस्ट हिट होता है लो इनकम पीपल पे। और इन्फ्लेशन इंडिया के लिए ख़राब क्यों है? अभी मैंने ऊपर बताया कि हमारे यहाँ 60 to 70% पॉपुलेशन जो है, 70 to 80% पॉपुलेशन वो लो इनकम, 60-70% तो वेरी लो इनकम, वेरी लो इनकम वाली पॉपुलेशन है, ठीक है। उनकी इनकम जो है इट इज़ यूजुअली लेस देन 20,000 पर मंथ, और उनके लिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ह्यूज हो मतलब ह्यूज होता है, इट इज़ वेरी रिग्रेसिव, ठीक है। तो ये
तीन कारण हो गए। चौथा चौथा देखिए, चौथा चौथा कारण नहीं, सॉरी, ये सब इम्पैक्ट हैं, यानी इन्फ्लेशन की वजह से ये सारे एडवर्स इम्पैक्ट हैं। चौथा रीजन देखिए कि हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड्स, हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यानी जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिरता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होता है। क्यों? सिंपल सा रीजन है, देखिए, जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई जो है, अगर हाई इन्फ्लेशन है तो जाहिर सी बात है इसका इकोनॉमी के ऊपर जो भी एडवर्स या रिग्रेसिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो आरबीआई क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है। और अगर आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, इसका मतलब क्या है कि वो रेपो रेट को बढ़ा देती है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, इसका मतलब है बैंक रेट बढ़ेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो रिजर्व रेशियो थे लाइक सीआरआर, एसएलआर, इनकी वैल्यूज़ को भी बढ़ा देती है। ठीक है, तो आरबीआई इन सारे इंस्ट्रूमेंट को जब बढ़ा देती है तो उससे होता क्या है कि बैंक्स सीआरआर एसएलआर बढ़ने से बैंकों की लिक्विडिटी कम होती है, और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बैंक आरबीआई से लोन कम लेते हैं, तो ओवरऑल बैंकों की लिक्विडिटी कम होती है। साथ ही साथ बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे आरबीआई से लोन ले रही है तो इकॉनमी में भी हायर इंटरेस्ट पे देगी, तो एक तो बैंकों की लिक्विडिटी कम है तो कम लोन देंगे, ऊपर से जो लोन देंगे भी उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो बोरोइंग है वो कम हो जाता है। यानी इसका नतीजा क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी तो इसके देखिए क्या इम्पैक्ट होंगे। मनी सप्लाई अगर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, क्योंकि जब भी लोगों के पास पैसे कम होंगे तो डिमांड कम होगा। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरेगा तो प्राइसेस गिरेंगे, अगर प्राइसेस गिरेंगे यानी इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो फिर कंपनीज प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे बिकॉज कंपनीज कॉस्ट कटिंग करेंगे, ये एक इम्पैक्ट। दूसरी बात, जब भी मनी सप्लाई गिरेगा और प्रोडक्शन गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रही थी वो इन्वेस्टमेंट गिरेगी, अगर इन्वेस्टमेंट गिरती है तो फर्दर प्रोडक्शन गिरेगा, और जब भी प्रोडक्शन गिरता है तो जीडीपी गिरती है। ठीक है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो उस हाई इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होगी, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जिससे कि प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिरता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। ठीक है, लोगों के पास पैसे कम आएंगे। ये तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी साइड हो गया। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी की बात करें, तो देखिए क्या इम्पैक्ट होता है कि गवर्नमेंट जब भी अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, यानी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स, यानी ज़्यादा कंजम्पशन करेगी, अगर सरकार ज़्यादा कंजम्पशन करती है, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अगर प्राइसेस को रिड्यूस करना, यानी सरकार अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करती है, यानी फिस्कल पॉलिसी में जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो है इसको रिड्यूस करती हैं, और जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों रिड्यूस होता है। जाहिर सी बात है कम इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, जो भी आपके लिए सप्लाई चेन जो स्ट्रेंथनिंग सरकार कर रही थी, उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे तो लॉजिस्टिक पुअर होगा, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा या पीडीएस या जो भी वेलफेयर स्कीम्स, अगर ये कट होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट आता है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो डिक्लाइन होना शुरू कर देगी। तो हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिलहाल में थोड़ा ब्रेक लेते हैं।
और उसके बाद फिर बाकी ब्रेक के बाद देखते हैं। ओके तो ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए पांचवा पांचवा जो इसका साइड इफेक्ट या जो इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो थोड़ा चौथे से ही लिंक्ड है पर ये अपने आप में सेपरेट है इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो हाई इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन गिरता है। देखिए कैसे, तो हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, यानी चीज़ों के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो लोगों का रियल इनकम है, ठीक है, जो रियल इनकम है वो कम हो रहा है। रियल इनकम कम होने का मतलब क्या है कि आपको सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी आमदनी बढ़ने से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ा, कंजम्पशन अभी भी वही बास्केट है पर आप उसी बास्केट के लिए अधिक पैसे दे रहे हैं। 94 रुपये के बास्केट के लिए 100 रुपये दे रहे हैं या 100 रुपये के बास्केट के लिए 110 रुपये दे रहे हैं, तो सामान उतना ही मिल रहा है बस पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो मनी हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू, ठीक है, तो ये मतलब होता है रियल इनकम गिरना। तो जब रियल इनकम का मतलब क्या है कि वो जो सामान खरीद सकता है, पहले आप 2000 का सामान, 2000 में जो आपको सामान, सॉरी, जो पहले आप 18000 में सामान खरीद पा रहे थे वो 2000 में आप, सॉरी, जो पहले आप सामान 18000 में जो बास्केट खरीद ले रहे थे, अब सेम बास्केट अगर खरीदने में अगर आपको 20000 रुपये लग रहे हैं, इसका मतलब कि 2000 रुपये जो आपकी इनकम बढ़ी है वो किसी काम का नहीं, इट इज़ वैल्यूलेस, ठीक है, क्योंकि आज भी आप सामान जो बास्केट खरीद रहे हैं वो 18000 के बराबर वाला ही खरीद रहे हैं। तो 2000 कहाँ चला गया, इन्फ्लेशन खा गया। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रियल इनकम गिरता है, जब भी इंसान का रियल इनकम गिरता है तो जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं, जो भी उसके निसेसिटी एक्सपेंडिचर हैं, उसके पास उसके बाद जो पैसा बचेगा वही सेविंग होगी। तो अगर इंसान का रियल इनकम गिर जाएगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद जो बचेगा सेविंग, यानी सेविंग गिर जाएगी। और यही सेविंग थी जो बैंकों में हम जमा करते थे, एफडी करते थे या फिर आरडी रिकरिंग डिपॉजिट या जो भी है, ठीक है, तो सेविंग से ही तो बैंक लोन देता था। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, रियल इनकम गिरा, तो उससे सेविंग गिरेगी, तो यानी बैंकों में कम पैसा जाएगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन या इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो गिर जाएगा। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। इसी का दूसरा साइड देखिए कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में तो उससे क्या है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है, रियल रियल इंटरेस्ट रेट जो हैं ये कम हो जाते हैं। क्यों? देखिए मान लीजिए बैंक आपको आपके एफडी पे अगर 10% दे रहा है, अगर आपने बैंक में एफडी किया और उस पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, यानी बैंक जो भी आपको इंटरेस्ट रेट देता है डिपॉजिट को नॉमिनल बोलते हैं। उसमें अगर इन्फ्लेशन, उससे अगर हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दें, यानी मान लीजिए इन्फ्लेशन 6% है, तो जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट आएगा वो कितना आएगा, 4%। अब वही मान लीजिए कि अगर ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये 6 के बजाय 8% हो जाता, तो जो आपको रियल इंटरेस्ट मिल रहा है पैसे पे वो 10-8 2% हो जाएगा, और ये जो 10% जो आपको डिपॉजिट पे मिलता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट IR, और यहाँ पे IR जो है ये इन्फ्लेशन रेट है। यानी जो भी आपको बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, उससे जब भी इन्फ्लेशन रेट को हटाएंगे तो रियल इंटरेस्ट रेट, ये जितना कम होगा यानी जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका रियल इंटरेस्ट रेट गिरता चला जाएगा। आप समझिए कि जो भी समझदार लोग हैं
उनको पता है कि अगर इकोनॉमी में 7% इन्फ्लेशन है या मान लीजिए 6% इन्फ्लेशन है और बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, यानी आपको जो रियल इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो 1%, तो लोग अपना पैसा बैंकों में नहीं जमा करते हैं, उस पैसे से वो जमीन घर खरीद लेते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है। यानी जब भी रियल इंटरेस्ट रेट गिरता है तो लोग सेविंग करने के बजाय या बैंकों में पैसा डालने की बजाय रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न ज़्यादा है। तो रियल इंटरेस्ट गिरने से क्या होता है कि लोगों की सेविंग्स गिरती हैं, लोग सेव नहीं करते हैं, बैंकों में नहीं डालते हैं, बजाय रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। जब भी सेविंग गिरेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन गिरेगा। तो ये तो हो गया हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो 5 बातें हो गई। देखिए छठा इम्पैक्ट क्या होता है, लेट्स सी। छठा इम्पैक्ट देखते हैं, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके, छठा रीजन क्या होता है कि हाई इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, या हाई इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, या आप ये कह सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस इंक्रीजेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस इंक्रीजेस, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जिन कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन होता है, यानी जिन कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से जिनका प्राइस बढ़ता है, उन कमोडिटीज़ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने का प्रयास करती हैं, तो जो लेस एफिशिएंट फॉर्म है वो भी उसे प्रोड्यूस करेगी, पर उस चीज़ को बनाने में उसे ज़्यादा खर्च आएगा, यानी कि वो पर यूनिट या पर पैकेट वो सामान बना रही है ज़्यादा रिसोर्सेस खर्च करके, यानी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बढ़ जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हाई इन्फ्लेशन कॉजेज लेस एफिशिएंट फॉर्म्स टू प्रोड्यूस दोज थिंग्स। ये कैसे होता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ दो कंपनी है, एक ब्रेड बना रही है और दूसरा बिस्किट बना रही है, और हम देखते हैं कि हाई इन्फ्लेशन ने रिसोर्स वेस्टेज को कैसे बढ़ा दिया, ठीक है, या रिसोर्स एलोकेशन को डिस्टॉर्ट क्यों कर दिया, या इन एफिशिएंट फॉर्म भी हाई इन्फ्लेशन प्रोडक्ट पे कैसे शिफ्ट हो गई और ज़्यादा रिसोर्सेस वेस्ट कर रही है टू अर्न मोर प्रॉफिट। देखिए तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल फॉर्म, ठीक है। लेट सपोज दो फर्म हैं ए और बी, ये दोनों अपना अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों फर्म अपना अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर इनका प्रॉफिट है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट को ऐड करके मार्केट प्राइस बनेगा, और इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेटेड मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए जो कंपनी ए है ये बना रही थी ब्रेड, जो कंपनी ए है ये ब्रेड बना रही थी, और जो कंपनी बी है ये बिस्किट्स बना रही थी, ठीक है। अब अच्छा कॉस्ट में क्या क्या है, देखिए कॉस्ट में एक तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, सारा फैक्टर कॉस्ट है, बस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें आप देखिए 4 चीज़ें होती हैं, रेंट होता है, वेजेज सैलरी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट में मैंने रेंट, वेज और इंटरेस्ट रखा है, पर प्रॉफिट को, ओनर्स के प्रॉफिट को यहाँ पे ला दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ऑल द फैक्टर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो कॉस्ट में सब कुछ है बस प्रॉफिट को छोड़ के। तो मान लीजिए जो कंपनी ब्रेड बना रही है उसको एक पैकेट ब्रेड बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 20 रुपये लग रहा है।
बिस्किट वाली कंपनी को भी एक पैकेट बिस्किट बनाने में 20 रुपये लग रहा है। मान लीजिए जो ब्रेड वाली कंपनी है ये 5 रुपये प्रॉफिट कमा रही है और बिस्किट वाली कंपनी भी मान लीजिए 5 रुपये प्रॉफिट ले रही है, दोनों भी बराबर प्रॉफिट, तो दोनों की मार्केट प्राइस कितना थी? 25 रुपये। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि इस कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, डेप्रिसिएशन भी है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फैक्टर कॉस्ट भी एक्सेप्ट प्रॉफिट, तो कितना हो गया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 25 रुपये। बिस्किट वाली कंपनी के लिए भी एक पैकेट बिस्किट की मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? 25। यानी ब्रेड वाली कंपनी के लिए एक पैकेट की मार्केट प्राइस 25 रुपये, बिस्किट वाली कंपनी को भी एक पैकेट बिस्किट की मार्केट प्राइस 25 रुपये बन रही है। अब देखिए इकोनॉमी में मान लीजिए ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्यों? देखिए एक तो लोगों की इनकम बढ़ गई, दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए लोग अब ज़्यादा ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स पे बहुत सारे ठेले ब्रेड ऑमलेट के लग रहे हैं, सब ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं, या पाव भाजी खा रहे हैं, या ब्रेड की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, घरों में सैंडविच लोग खा रहे हैं, पिज्ज़ा विज्ज़ा में भी ब्रेड ब्रेड लग रहा है, ठीक है। तो अगर ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो ब्रेड का डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ने से लेट सपोज कि ब्रेड की प्राइस 25 रुपये के बजाय 35 रुपये हो गई, और मानते हैं बिस्किट भी बढ़ा, बिस्किट का भी डिमांड बढ़ा, पर बिस्किट 25 रुपये से इसकी डिमांड बढ़ने जो प्राइस बढ़ी वो 25 रुपये से 28 रुपये हुई। अब इसका इम्पैक्ट समझिए, देखिए ब्रेड का डिमांड बढ़ने से जो मार्केट प्राइस था 25 रुपये से 35 रुपये हो गया, तो अब ब्रेड वाली कंपनी को 20 रुपये, अगर मान लीजिए कॉस्ट 20 रुपये पड़ रहा था, 35 रुपये अगर वो, यानी कि मान लेते हैं ठीक है कॉस्ट हम नहीं बढ़ा रहे हैं आपको बस समझाने के लिए, हालांकि जब भी चीज़ें महंगाई बढ़ती है तो कुछ चीज़ों रॉ मटेरियल भी बढ़ते हैं, मे बी कि वो उस मैग्नीट्यूड में ना बढ़ें पर इम्पैक्ट तो होता ही है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने से अगर प्राइस 35 रुपये हो गई, कॉस्ट कितना आ रहा है? 20 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया, सॉरी कॉस्ट था 20 रुपये और मार्केट प्राइस हो गई डिमांड बढ़ने से 35 रुपये, तो प्रॉफिट क्या हो गया? अगर 35 में से अगर आप 20 को हटाएंगे तो प्रॉफिट हो गया 15 रुपये का। यानी जब कंपनी 20 रुपये में बना के 25 में भी 5 रुपये प्रॉफिट था, लेकिन अब 20 में बना के जब 35 में बेच रही 15 रुपये प्रॉफिट है। यहाँ पर देखिए 20 में बनाकर 28 में बेच रही है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपये से 8 रुपये हो गया, ठीक है। यानी जब 20 रुपये बना के 25 में तो 5 रुपये मिल रहा था, अब 20 में बना के अगर 28 में बेच रही है तो 8 रुपये प्रॉफिट। तो ये जो नया प्रॉफिट बना है ना, दिस न्यू प्रॉफिट, आप देखिए ब्रेड वाली कंपनी को 15 रुपये का मुनाफा हो रहा है पर पैकेट, और बिस्किट वाली कंपनी को सिर्फ 8 रुपये पर पैकेट मुनाफा हो रहा है। अब इस बिस्किट वाली कंपनी को लगेगा ओके ब्रेड का डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, यहाँ पैसा है, तो बिस्किट वाली कंपनी बोलेगी अब हम भी ब्रेड बनाएंगे। और ये जो बिस्किट वाली कंपनी है अगर ये ब्रेड बनाना शुरू करेगी, देखिए बिस्किट ब्रेड में कोई खास अंतर होता नहीं है, ठीक है, मतलब अंतर तो है नो डाउट, काफ़ी अंतर है, पर बिस्किट के लिए जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और जो ब्रेड के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उनमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी भी होता है, लाइक दोनों जगह ओवन की ज़रूरत होती है, दोनों जगह ही व्हीट फ्लोर इस्तेमाल होता है, बटर यूज होता है, शुगर वगैरह यूज होता है, ठीक है, दोनों जगह एम्प्लॉई मतलब वो सब कुछ ठीक है, दोनों जगह ही मशीनरी इक्विपमेंट, दोनों जगह चीज़ें फेंटनी होती हैं डो को, ठीक है, तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो बिस्किट वाली कंपनी ने बोला कि ठीक है हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बिस्किट वाली कंपनी ने अपना मॉडिफिकेशन तो बिस्किट वाली कंपनी ने बोला कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करके ब्रेड बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और फिर अब हम ब्रेड बनाते हैं। अब देखिए कि चूंकि ये बिस्किट वाली कंपनी एफिशिएंट थी बिस्किट बनाने में, ये ब्रेड बनाने में एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इसने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और अब ये ब्रेड, और ये ब्रेड वाली कंपनी पहले से ब्रेड बना रही है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेड के लिए था, इसके एम्प्लॉयज ट्रेंड थे, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफिशिएंट है, और ये नई कंपनी अगर इस एरिया में वेंचर करती है तो इसको जाहिर सी बात है कि ब्रेड बनाने की कॉस्ट 20 रुपये नहीं 25 रुपये पड़ेगी। मान लेते हैं कि ये कंपनी,
लेस एफिशिएंट है बिकॉज ये ज़्यादा एफिशिएंट थे बिस्किट में, ब्रेड बनाने में लेस एफिशिएंट है, तो इसको 25 रुपये पर पैकेट कॉस्ट पड़ रहा है। तो 25 रुपये अगर कॉस्ट पड़ रहा है और ये मार्केट में बेचेगी 35 रुपये पे, बिकॉज ब्रेड के एक पैकेट का प्राइस 35, तो अभी भी इसके लिए जो प्रॉफिट है ना वो कितना है, 10 रुपये का है। समझ पा रहे हैं आप बात, क्योंकि ये उसका मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट है, तो बीच में प्रॉफिट कितना है, 10 रुपये। देखिए अगर वो बिस्किट बेचता रहता ना तो उसको 8 रुपये पर पैकेट मिलता, लेकिन जब वो ब्रेड बनाने लगा तो उसको 8 रुपये से 10 रुपये यानी 2 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि देखिए वो एक पैकेट का ब्रेड 25 रुपये में बना कर भी 10 रुपये का मुनाफा कमा रहा है, जो बिस्किट से ज़्यादा है। और अगर ये कंपनी ब्रेड नहीं बनाती तो ये मतलब देखिए जो कंपनी ब्रेड बनाने के लिए एफिशिएंट थी वो 20 रुपये में पैकेट बना रही है, ये कंपनी लेस एफिशिएंट थी इसलिए 25 रुपये खर्च करके ब्रेड बना रही है। यानी अगर इन कंपनी बी ए और बी में देखें तो ये 5 रुपये का वेस्टेज कर रही है। यानी कंपनी बी जो है वो एक पैकेट ब्रेड बनाने में 5 रुपये का जो रिसोर्सेस हैं उनको वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो एक पैकेट ब्रेड तो 20 रुपये में बनना चाहिए, लेकिन ये 20 रुपये में तब बनाता है ना जब इसका स्पेशलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर उसके लिए ट्रेंड होता। ये तो मॉडिफिकेशन करके बस हाई प्रॉफिट की वजह से आ गया, तो ये 25 रुपये में बना के 10 रुपये कमा रहा है, यानी कि 2 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए ये पर पैकेट 5 रुपये का रिसोर्स वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक लेस एफिशिएंट फॉर्म भी उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है जहाँ इन्फ्लेशन है, यानी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे इकोनॉमी में रिसोर्सेज का वेस्टेज बढ़ जाता है। ऐसे ही मान लीजिए इकोनॉमी में और भी कंपनी आ जाएंगी, कोई 27 रुपये में ब्रेड बनाएगा लेकिन अभी भी उसको 8 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो जब तक मुनाफा होता रहेगा कंपनी जाकर इस एरिया में रिसोर्सेस वेस्ट करती रहेंगे। इसी तरह से और भी मतलब थोड़ा मिलते जुलते प्रोडक्ट लाइक मार्कर और स्केच पेन, ठीक है, ऐसे ही ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, या सनफ्लावर ऑयल, और आप ले लीजिए सोयाबीन ऑयल, मतलब इस तरह से एग्जांपल्स लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में इन्फ्लेशन होता है, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो लेस एफिशिएंट फॉर्म भी उस एरिया में वेंचर कर जाती हैं और विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, बिकॉज वो कुछ लगभग वैसा ही प्रोडक्ट बना रही थी, सो विद सर्टेन मॉडिफिकेशन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट थिंग, सो दे स्टार्ट वेस्टिंग रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्स वेस्टेज इकोनॉमी में बढ़ जाता है, और वी कैन से दैट वेन एवर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, वी कैन से दैट जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रोडक्ट्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स पे अगर कुछ कमोडिटीज़ हैं उनका डिमांड बढ़ता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़, उन पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो लेस एफिशिएंट फॉर्म्स भी उनका प्रोडक्शन, लेस एफिशिएंट फॉर्म भी उनका प्रोडक्शन करने लगती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा देती है, प्रोडक्शन करने लगती है और इकोनॉमी में रिसोर्सेस वेस्ट होता रहता है, लेकिन लेस एफिशिएंट फॉर्म भी क्यों प्रोडक्शन कर रही है, बिकॉज स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट मार्जिन। तो ये होता है, तो इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में रिसोर्सेस का जो भी एलोकेशन है वो डिस्टॉर्ट करता है, यानी ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन तब होता जब इन्फ्लेशन, यानी अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आई होती, अगर ब्रेड में इन्फ्लेशन नहीं होता तो ये 20 रुपये का 25 रुपये में, 20 रुपये में बना के 25 में बेच रहा होता, और ये बिस्किट तो ब्रेड वाली ब्रेड बनाए, बिस्किट वाली बिस्किट, अगर तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। लेकिन इधर एरिया ब्रेड में इन्फ्लेशन हुआ तो सब उधर भाग गए और उधर प्रॉफिट कमा रहे हैं और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बढ़ जाता है। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। सातवां पॉइंट देख लीजिए, आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा हो गया। इन्फ्लेशन डिस्करेज एक्सपोर्ट एंड इनकरेज इंपोर्ट। इन्फ्लेशन
डिसकरेजेज एक्सपोर्ट एंड इन्फ्लेशन डिसकरेज एक्सपोर्ट्स एंड इनकरेज इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन कमोडिटीज इन विच इन्फ्लेशन इज हैपेंड। यानी देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, ठीक है, अगर उस कमोडिटी में इन्फ्लेशन है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जो कि हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जिसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, लाइक अनियन, अगर अनियन हमारे देश में महंगा है तो सरकार क्या इसका एक्सपोर्ट करने देगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अनियन महंगा है और सरकार अगर एक्सपोर्ट को अलाउ करेगी तो हमारे यहाँ अनियन की सप्लाई और शॉर्ट हो जाएगी, बिकॉज हम अगर अनियन को बाहर की दुनिया को बेचेंगे तो हमारे यहाँ सप्लाई और कम होगी, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो जिस भी कमोडिटी में इन्फ्लेशन होता है उसका एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट्स जिस भी कमोडिटी में, यहाँ पे हम अनियन का एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने अनियन का एग्जांपल ले लिया, आप मस्टर्ड ऑयल का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ जो जिसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ रही हो, ठीक है, जहाँ इन्फ्लेशन हो, ठीक है। तो अगर हम अनियन की बात करें तो अगर अनियन के प्राइसेस हमारे देश में, अगर अनियन के प्राइसेस हमारे देश में बढ़ जाते हैं, हमारे देश में अनियन के प्राइस हाई हैं, तो सरकार इनका एक्सपोर्ट बैन कर देती है, यानी इनका एक्सपोर्ट गिर जाएगा। साथ ही साथ सरकार चाहेगी कि जो देश में अनियन को लेके इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन कम हो, प्राइसेस कम करने के लिए अनियन का इम्पोर्ट क्या है, बढ़ा देगी। बिकॉज अगर हम बाकी देशों से अनियन खरीदते हैं तो हमारे देश में अनियन की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होंगी। तो जिस भी कमोडिटी में इन्फ्लेशन होता है उसका एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इम्पोर्ट बढ़ जाता है, इससे क्या सिचुएशन पैदा होती है? देखिए, एक्सपोर्ट्स की वजह से क्या होता है, जब भी हम सामान बेचते हैं तो इनफ्लो ऑफ डॉलर होता है, इनफ्लो ऑफ डॉलर, और जब भी हम सामान खरीदते हैं तो सामान के बदले हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, यानी आउटफ्लो ऑफ डॉलर होता है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर। अगर एक्सपोर्ट गिर गया तो इनफ्लो कम है, यानी आउटफ्लो ऑफ डॉलर ज़्यादा, इम्पोर्ट ज़्यादा, यानी डॉलर ज़्यादा पे कर रहे हैं, कम आ रहा है। तो अगर डॉलर ज़्यादा देश से बाहर जा रहा है, देश में कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है गिर जाएगा, जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ये गिर जाएगा। और अगर देश में ऐसे ही कई सारी कमोडिटीज़ पे इन्फ्लेशन हो जाता है, उससे क्या है कि हमारा फॉरेक्स डिप्लीट होता चला जाएगा, यानी उन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट गिर जाएगा, या एक्सपोर्ट सरकार बंद कर देगी, इम्पोर्ट बढ़ा देगी, डॉलर का इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो होता रहेगा, यानी फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा। साथ ही साथ आप एक बात और देखो, लेट मी चेंज द कलर, अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इससे क्या होगा, क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, यानी हम बेच कम रहे हैं खरीद ज़्यादा रहे हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो हमारा जो भी करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, यहाँ पे आप करंट लिख लो, ठीक है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट, या जब भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व घटता है, तो इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि आपका, आपके पास अगर डॉलर ही नहीं बचेगा पेमेंट करने के लिए और आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो डॉलर कमा नहीं रहे हैं, खर्च करने के लिए बचा नहीं, तो आप पेमेंट अब कैसे करोगे? फ्यूचर में जो इम्पोर्ट के मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, जो पेमेंट करने हैं, वो कैसे करोगे? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगी। यानी और देखिए, अगर एक्सपोर्ट गिर रहा है, इम्पोर्ट बढ़ रहा है, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो रुपये भी डेप्रिसिएट करता है। तो एक इम्पैक्ट और समझिए कि इन्फ्लेशन की वजह से रुपी जो है वो रुपी का डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाता है, यानी रुपी डेप्रिसिएट मोर, ठीक है,
क्योंकि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व घटेगा तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है यानी उसके प्राइसेस यानी रुपी डेप्रिसिएट, तो इन्फ्लेशन रुपी का डेप्रिसिएशन। और देखिए 2013-14 में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो 100 डॉलर पर बैरल के ऊपर थे, इसीलिए हमारा रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट किया था उस वक्त, ठीक है। तो ये होता है इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का। आखिरी आखिरी इम्पैक्ट देख लेते हैं और इसको बस वाइंड अप करते हैं, आई थिंक बहुत लंबा हो गया। आठवां जो इन्फ्लेशन का साइड इफेक्ट होता है वो होता है कि इट प्रमोट्स होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन, इट प्रमोट्स होर्डिंग, इट प्रमोट होर्डिंग्स ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। तो इन्फ्लेशन प्रमोट्स होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज़, इसका मतलब क्या है, जैसे अनियन की ही बात कर लेते हैं, अगर अनियन अगर प्राइस अगर मार्केट में ये स्पेकुलेशन है कि अनियन के जो भी प्राइसेस हैं, अनियन के जो प्राइसेस हैं अगर ये फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो होगा क्या कि अनियंस का होर्डिंग हो जाएगा, यानी जो भी ट्रेडर्स हैं ये अनियन को हार्वेस्ट के बाद मार्केट में नहीं आने देते हैं, ये अनियंस को कोल्ड स्टोर में रख लेंगे, कोल्ड स्टोर में मतलब अपना जमा कर लेंगे, मतलब कोल्ड स्टोर में अनियंस को डिपॉजिट कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं होर्डिंग, होर्डिंग, ठीक है। यानी ये अनियंस की होर्डिंग कर देंगे और वेट करेंगे कि अनियन की प्राइस बढ़े, और जब अनियन की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, जब अनियन की प्राइस बढ़ेगी यानी कि जब भी इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, अनियन का प्राइस बढ़ेगा यानी कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होगा, जब भी होर्डिंग से इन्फ्लेशन होता है तो फिर ये लोग अनियन को मार्केट में रिलीज करते हैं, तो हार्वेस्ट के बाद अनियंस मार्केट में उसकी सप्लाई होती है, पर ज़्यादातर ट्रेडर्स इन अनियंस को कोल्ड स्टोर में होल्ड करके बैठे रहते हैं, प्राइसेस बढ़ने का वेट करते हैं, जब भी इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसे रिलीज करते हैं, तो होर्डिंग की वजह से ही अनियन, अगर ये अनियन मार्केट में आ जाते हैं हार्वेस्ट के बाद पूरी तरह से, अगर होर्डिंग नहीं होती तो शायद इतना इन्फ्लेशन नहीं होता, यानी ये जो अनियन का जो प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, होर्डिंग, यानी होर्डिंग कॉजेज द इन्फ्लेशन, ओके, इन अनियन, या अनियन के प्राइस बढ़ी होर्डिंग की वजह से। और जब भी इन्फ्लेशन होता है, मान लीजिए अगर अनियन के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इससे होता क्या है कि अनियन की होर्डिंग बढ़ती है, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो इससे स्पेकुलेशन बढ़ता है, यानी कि ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस अगले साल भी बढ़ेंगे, यानी कि फिर फर्दर क्या होता है, इसकी वजह से होर्डिंग होती है, ठीक है। तो होर्डिंग की वजह से इन्फ्लेशन होती है, अगर आप चीज़ों को स्टोर करके बैठ जाएंगे, उसकी सप्लाई शॉर्ट कर देंगे तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये एक तरह का स्पेकुलेशन मार्केट में क्रिएट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर आइटम के प्राइसेस कुछ महीने बाद बढ़ने वाली हैं, तो इस जितना ज़्यादा स्पेकुलेशन फैलेगा इसकी वजह से होर्डिंग्स और बढ़ती है, तो होर्डिंग्स कॉजेज इन्फ्लेशन एंड दिस इन्फ्लेशन कॉज मोर एंड मोर होर्डिंग, ठीक है। तो ये होर्डिंग इन्फ्लेशन का कॉज है, और इन्फ्लेशन की वजह से होर्डिंग बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि होर्डिंग इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है, तो इन्फ्लेशन कॉजेज होर्डिंग या इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज द होर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, यानी कोई भी कमोडिटी जिसको आप होल्ड करके बैठ जाएंगे, जिसकी सप्लाई शॉर्ट कर देंगे, उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, और अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो मार्केट में एक स्पेकुलेशन, एक कह लीजिए कि माहौल बन जाता है कि इस चीज़ के प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसकी होर्डिंग और बढ़ जाती है, तो होर्डिंग से इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन से स्पेकुलेशंस बढ़ते हैं, फर्दर होर्डिंग बढ़ती है, और ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अगर उन चीज़ों में अगर इन चीज़ों का इन्फ्लेशन नहीं होता, अगर अनियन के प्राइस किसी साल नहीं बढ़े होते हैं, ठीक है, अगर अनियन की प्राइस सरकार रेगुलेट करती, बढ़ने नहीं देती, तो होर्डिंग कभी नहीं होती, बिकॉज आप अनियन को कोल्ड स्टोर में जब रखते हैं तो कोल्ड स्टोर में
तापमान को ठंडा रखने के लिए आप बिजली, फिर वो एक पूरा वो अपने आप में स्टोरेज फैसिलिटी होता है, तो उस पे मैन पावर कॉस्ट आती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है, फिर आप उस पूरे बिल्डिंग का रेंट वेंट देते हैं, तो लोग होर्डिंग करने में भी बहुत सारा कॉस्ट लगता है, तो वो सारा कॉस्ट लोग लगा रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ हाई प्रॉफिट मार्जिन वेन इन्फ्लेशन विल हैपन। तो इन्फ्लेशन के होने की वजह से होर्डिंग होता है, और जितना ज़्यादा होर्डिंग होगा उतना इन्फ्लेशन होगा, बिकॉज जितना आप सप्लाई शॉर्ट करेंगे उस चीज़ की प्राइस उतनी बढ़ेगी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है अगर वो ऑप्टिमल लेवल पे हो, क्योंकि आरबीआई खुद भी चाहता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कि इन्फ्लेशन 4% पे हो विद प्लस माइनस 2% एज टॉलरेंस लिमिट। यानी आरबीआई खुद चाहता है कि इन्फ्लेशन 2% के नीचे ना आए, क्योंकि वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और 6% के ऊपर ना जाए, अदरवाइज इसका रिग्रेसिव इम्पैक्ट होता है, इसके ढेर सारे ख़राब इम्पैक्ट होते हैं। तो इन्फ्लेशन अच्छा है वेन इट इज़ ऑप्टिमल लेवल। और इन्फ्लेशन के एडवर्स इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट क्या हैं? पहला साइड इफेक्ट है कि इट रिड्यूसेस रियल इनकम ऑफ पीपल विच रिड्यूसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो रियल इनकम क्या होता है मैंने बता दिया। तो यानी कि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि मनी डिवैल्यू हो गया, यानी सेम क्वांटिटी या सेम बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ आप ज़्यादा पैसे में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी इनकम बढ़ रही है उससे आप ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इनकम बढ़ तो रही है लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वही बास्केट ऑफ कमोडिटी खरीदने के ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो और अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तब तो फिर तो बर्बादी है, बिकॉज इनकम नहीं बढ़ी लेकिन अब आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है सेम बास्केट खरीदने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब आप 20,000 रुपये खर्च करके अगर 18,800 कहीं सामान खरीद पा रहे हैं, तो बाकी जो आप 1,200 में जो बाकी चीज़ें खरीदते थे वो अब आप नहीं खरीद पाएंगे, बिकॉज वो 1,200 रुपये इन्फ्लेशन खा गया, यानी आपका एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। इन्फ्लेशन का बहुत रिग्रेसिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी लो इनकम या पुअर पीपल के लिए बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू रिच पीपल। इन्फ्लेशन रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन रिटार्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हाई इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मतलब हाई इन्फ्लेशन की वजह से जिन पे इन्फ्लेशन होता है उन कमोडिटीज़ को बनाने लगती हैं लेस एफिशिएंट फॉर्म भी, और वो ज़्यादा रिसोर्सेस वेस्ट करती हैं टू अर्न प्रॉफिट। तो इस तरह से इकोनॉमी में वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बढ़ जाता है या इनएफिशियंसी बढ़ जाती है, यानी इकोनॉमी का जो आईकॉर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इनएफिशियंसी बढ़ जाती है। आईकॉर कम होने का मतलब है मोर एफिशियंट सिस्टम। तो इन्फ्लेशन जो है ये एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है, इम्पोर्ट को बढ़ावा देता है जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, रुपये का डेप्रिसिएशन होता है, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी होर्डिंग होती है, और होर्डिंग से प्राइसेस और बढ़ती हैं, और फिर जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाती हैं मार्केट और स्पेकुलेटिव हो जाता है और होर्डिंग होती है और प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। यानी कि अगर सरकार बीच में आकर इस होर्डिंग को कंट्रोल नहीं करेगी, यानी इस होर्डिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, अगर सरकार आकर स्मूथ सप्लाई नहीं करेगी इकॉनमी में, तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अगले लेक्चर में तो हमने क्या-क्या देखा? हमने इन्फ्लेशन देख लिया, हमने इन्फ्लेशन के जो दो टाइप होते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उनको देखा डिटेल में, उनके कॉजेस समझे। आज हमने इन्फ्लेशन का जो भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट है इसको भी देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम फिलिप्स कर्व को समझेंगे, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमारे पास क्या मेजर्स होते हैं। तो देखिए, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है जो कि डिमांड बढ़ने से हुआ है, तो अगर उस इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें डिमांड साइड मेजरमेंट्स या डिमांड साइड करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसके लिए सप्लाई साइड के करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो जो भी डिमांड करेक्टिव मेजर्स हैं, सप्लाई साइड मेजर्स हैं, इनको हम
अगले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।